हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। तो गाइज, हम कल रात को पहुंच गए थे ले में और हम 8 बजे पहुंच गए थे। और मैंने सबसे पहले हमने पेट्रोल फिलअप करा लिया था क्योंकि जस्ट 1 पॉइंट रह गया था मेरी बाइक में। तो रात को ही मैंने पूरा टैंक फुल करा लिया था और फिर होटल में चेक इन कर लिया था। हमें लास्ट जो जिग-जिग हॉलीडे वाला होटल वो मिला नहीं, उसमें पूरा फुल था। तो ये कोई दूसरा होटल लिया लेकिन काम चला हुआ है, पैसे उतने ही काम चला हुआ, लेकिन इसका कोई रिव्यू नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं, इसका कोई रिव्यू नहीं है। तो आज का प्रोग्राम बता दूं मैं, अब हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ वाया श्रीनगर होके। तो अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और पैकिंग, तो मैंने बैग तो लगा ही हुआ, बस थोड़ी सी पैकिंग करनी है और नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है मार्केट में जाके। बाइक ले जाके ही हम पैक करके ही जाएंगे मार्केट में, वहाँ नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे अपना श्रीनगर की तरफ। आप देखते कहाँ पहुँचते हैं, रोड कंडीशन के ऊपर है। अगर बारिश ना हुई तो हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं, बारिश हुई तो बहुत धीरे स्लो स्पीड हो जाती है और बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे, अपना प्लेइंग फ्लैग्स लेने हैं तो वो ले कर फिर निकलेंगे। तो यही है प्रोग्राम, तो मिलते हैं हम आपको। तो गाइस, वी आर रेडी टू राइड। हमारी पैकिंग हो चुकी है पीछे, ये तीनों बाइक रेडी हैं। और मैं दिखा दूँ, ये है हमारा ले पैलेस, पीछे ले पैलेस है। और ये यहाँ पे होम स्टे में रुके थे, मगर कोई ख़ास होम स्टे नहीं है, बेकार है, रात गुजारनी थी गुजार ली, बस अब निकल रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं आगे अच्छी जगह पर और थोड़ी शॉपिंग करेंगे, फिर निकल जाएंगे अपना दिल्ली को। और आज मैक्सिमम सोनमर्ग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे पूरी, देखते हैं, बाकी वेदर पे डिपेंड है। रास्ता तो बहुत अच्छा है, क्यों जी? हाँ जी, रूट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रूट है, बहुत एंजॉय हो रहा है, बहुत। हाँ, बस निकलेंगे चांगला में जो बर्फ पड़ी थी उसमें, बहुत लाइफ का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस। हाँ, चलते हैं ब्रेकफास्ट। जय शंकर की जय, भोले। चल पड़े हैं अपने सफर पे। ये देखिए सामने है ले पैलेस, ये सामने ले पैलेस, ये कोई मोनेस्ट्री है ऊपर। और रात को हम यहीं पे रुके थे, आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर मार्केट से अंदर है, अंदर आके। लेकिन बहुत कॉस्टली रूम मिल रहे हैं आजकल, ड्यू टू बहुत यहाँ पे टूरिस्ट आया हुआ है और कहीं भी रूम पे जगह नहीं मिल रही, ढूंढनी पड़ती है, मिल जाती है लेकिन रात बहुत हो गई थी, थके हुए थे, इसलिए जो मिला हमने वहीं रुक गए। अगर हम टाइम से आते तो फिर तो हम आराम से बढ़िया सा रूम ढूंढ लेते। ये देखो ऊपर बादल देखो यार, कल जैसी हालत हो रही है, ऊपर तो पक्का बारिश हो रही होगी ऊपर चांगला में। चांगला में तो ज़रूर स्नो गिर रही होगी, चांगला का मौसम ही ऐसा है, हमेशा ख़राब ही रहता है। और रोड भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 10 किलोमीटर नीचे 10 किलोमीटर ऊपर डबल रोड का काम चल रहा है। 2014 में मैं गया था तब सिंगल रोड थी, अब डबल रोड बनने का काम हो रहा है। और सिंगल गियर पर आपको बाइक चलानी पड़ती है, दूसरा गियर तो लगता ही नहीं है, पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। और कभी वाटर क्रॉसिंग आ जाती है, कभी ट्रैफिक आ जाता है, कभी ट्रक आ जाता है, तो फर्स्ट गियर से ज़्यादा कुछ निकलता ही नहीं है। तो अभी कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं आगे अपने सफ़र पे। मार्केट ओपन होनी शुरू हो गई है, पार्किंग की जगह मिल जाए फिर वहाँ पे पार्किंग करके फिर निकलेंगे आगे एप्रिकॉट स्टोर। तो ये ले की मार्केट है और मोस्टली दुकान शॉप्स ओपन हो रही हैं। तो ये ले मार्केट है, मैं वो टिप्टिन फ्लैग वो ढूंढ रहा हूँ, वूल सेंटर कहाँ ढूंढूँ, अभी तो शॉप भी पूरी नहीं खुली हुई है।
ये ब्यूटीफुल ले मार्केट, सुबह सुबह सब्जियाँ बिक रही हैं। देखते हैं फ्लैग मिल जाएगा तो फिर सीधे निकलेंगे। तीन मार्केट है मेरे राइट हैंड पे, कोई भी गर्म कपड़ा लेना हो तो यहाँ से मिल जाता है। और ये मेन गेट ले का, भाई कहाँ गया? अच्छा नीचे होगा अभी। तो हमने कुछ फ्लैग्स लिए हैं, कुछ गिफ्ट आइटम लिए हैं और फिर अब सीधा चल पड़े हैं। सामने देखिए बिल्कुल पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं, जैसे कल कंडीशन थी चांगला में सेम वही कंडीशन अभी भी दिख रही है। ऊपर तो डेफिनेट बारिश या बर्फ आइस स्नोफॉल हो रही होगी पक्का। तो पूरे 10 बज चुके हैं, निकलते निकलते 10 ही बज गए, 10 बज चुके हैं। भाइयों ने पेट्रोल डलवा लिया है, अमित ने और जोगिंदर भाई ने, दोनों ने पेट्रोल अपनी बाइक में फिल करवा दिया है। बस अब वेट कर रहे हैं मेरा, अब हम निकलेंगे सीधा। बाइकर देखो कितनी लाइन लगा के खड़े हैं, सुबह सुबह तो यही हाल होता है यहाँ पे। जिसने दुंगला जाना ले जाना है, कहाँ गए अपने बंदे? आगे कोई रेस्टोरेंट देख के मैं खड़ा होता हूँ। लेफ्ट को जाएंगे तो मनाली वाला रूट है और राइट सीधा जाएंगे तो श्रीनगर वाला रूट है। तो हम जा रहे हैं श्रीनगर वाले रूट से। कारगिल है 240, निम्मू है 32। निम्मू 240 ज़्यादा निकल जाएंगे हम तो, सोनमार्ग पहुंच सकते हैं। रोड बहुत अच्छी है। इंडियन फ्लैग्स, भारत माता की जय। लद्दाख की सेफ्टी में तो बहुत लोग, बहुत आर्मी लगी हुई है। रिंचेन चौक, रिंचेन, ये हॉल ऑफ फेम है। अगर आप ले रुकते हैं तो हॉल ऑफ फेम में आर्मी का पूरा दिखाया गया है। यहाँ पे जितनी भी फाइट्स हुई हैं उनके पूरे यहाँ पे जो हथियार जब्त किए हैं और जो जो फोटोग्राफ, पुरानी पुरानी फोटोग्राफ यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। बहुत ही बढ़िया है हॉल ऑफ फेम, आप जाके देख सकते हैं इसको। सामने मोनेस्ट्री नज़र आ रही है, पता नहीं कौन सी। आते समय हम इसी रूट से आए थे लेकिन रात बहुत हो गई थी। और ये पूरा ले है पीछे, ग्रीनरी जितनी दिख रही है आपको, और ये पीछे पहाड़। HP गैस प्लांट, ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट A1 कैफे। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है पूरा, हम थे A1 रेस्टोरेंट में और बहुत ही बढ़िया खाना था इनका यार। और ये कौन सी जगह है? ये फियांग, फियांग। ये ले से कितने किलोमीटर होगा? 7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर ले से पहले है इनका रेस्टोरेंट। और बहुत ही बढ़िया खाना है यार, कभी भी कोई आए तो यहाँ पे ज़रूर आप खाना खाना। जाट ऑन व्हील, जाट JAAT ऑन व्हील, जेट ऑन व्हील, व्हील्स व्हील्स भैया। हाँ तो भैया का नाम क्या है आपका? स्टेंजिन सर। तो ये स्टेंजिन है। तो भाई का रेस्टोरेंट A1 कैफे, यहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलता है यार, आप जब भी आएँ यहाँ जरूर। फियांग में, फियांग ले से 7-8 किलोमीटर पहले है ना। तो अब चलते हैं भाई। तो अभी मैं हूँ मैग्नेटिक हिल पे, ये पीछे लिखा हुआ बोर्ड। और 2014 में जब आया था यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था, हमने गाड़ी वहाँ तक चलाई थी। और 18 में सिर्फ एक ये बना हुआ था कैफ़े। अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गई, पीछे भी बन गए हैं रूम्स और ये स्कूटर्स मिलते हैं यहाँ पे। और
वहाँ पे स्कूटर की सवारी होती है और आई थिंक यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी होती है। तो चलते हैं भाई, लोग तो निकल के आगे, मैं भी चलता हूँ आगे। आगे संगम पॉइंट पे जाएंगे पहले, फिर आगे निकल जाएंगे। ठीक है जी, बाइक लेके आए हैं? अच्छा रेंट पे? ओके ओके, आगे ये 4-5 किलोमीटर देख लेना। ओके सर। तो भाई लोग ये नोएडा से आए हैं और काफ़ी बढ़िया बातचीत हुई हमारी, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया भाई ने, थैंक यू भाई। तो गाइस ये मेरे पीछे है संगम पॉइंट, ये पीछे देख रहे हैं दो रिवर एक साथ मिल रही हैं और नीचे राफ्टिंग वगैरह भी होती है। ये देखिए नीचे सारी राफ्टिंग की बोट्स हैं और टूरिस्ट बैठे हैं सारे। एक रिवर यहाँ से आ रही है, एक रिवर सामने से आ रही है, दोनों यहाँ जॉइंट हो रही हैं। इसको कहते हैं जसकार संगम पॉइंट। तो चलते हैं, फोटोग्राफी होगी, मैग्नेटिक हिल की भी होगी, यहाँ की भी होगी, अब आगे चलते हैं। के बाद हम पूरी माउंटेन पे हमने क्लाइम करी है और ये फोटोला पास आ गया है। ये मेरे पीछे है फोटोला पास और इसके बाद पूरी ढलान है। तो थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की, तो मैंने ये रेनकोट डाल दिया है। अब हम बिल्कुल डाउन पे जाएंगे। तो कारगिल अंडर 100 किलोमीटर रह गया है और कारगिल के बाद हम जाएँगे सोनमार्ग, जोजिला पास क्रॉस करके, एक पास बीच में और आएगा। चलते हैं आगे।